आज हम कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक सुधार के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक सुधार 1991। आज विश्व की आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं, सकल घरेलू उत्पादन ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं। के आर नारायण भारत के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा किया गया। फिर आपके पिछले अध्याय में पढ़ा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विशेषताओं के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एक साथ थी। कुछ विद्वानों का तर्क है कि बस में कुछ व्यवस्थाओं में नियम के नियंत्रण के इतने अधिक नियम कानून बनाए गए हैं कि उसे आर्थिक समृद्धि विकास की समूची प्रक्रिया वृद्धि हो गई है। इन विद्वानों का मत है कि भारत में अपनी विकास यात्रा लगभग गतिहीनता के आधार से ही प्रारंभ की थी, जो बचत में समृद्धि विविधता प्रौद्योगिकी के आधार पर किया गया है, जिसमें विभिन्न वस्तुओं को उत्पादन करता है। साथ ही साथ कृषि उत्पादन को निरंतर वृद्धि द्वारा खाद्य सुरक्षा निश्चित हो चुकी है। फिर सन 1991 में नरसिम्हा राव ने सरकार बनाने पर अनेक आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए। आर्थिक सुधार को नई आर्थिक नीति भी कहा गया है। आर्थिक नीति से अभिप्राय ऐसी उदारीकरण नीति से है जिसमें निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका हो, उसका नियमन हो, सार्वजनिक क्षेत्र में दिए गए अनुदान समाप्त हों और विनियोग बाधाएं समाप्त हो, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का भारत में आवागमन बाधा रहित हो, विदेशी विनिमय स्वतंत्र प्रवाह बनता है ताकि उच्च तकनीकी प्राप्त भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ सकेगा। फिर आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति की व्यवस्था। 80 के दशक में भारत की राष्ट्रीय आय 5.6% वार्षिक वृद्धि हुई है। विकास की व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को इस स्तर तक पहुंचाना संभव हुआ कि वही व्यूह रचना 90-91 में अर्थव्यवस्था को धकेल कर संकट की ओर ले गई और देश के सामने अनेक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गई। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि दर गिर गया था। 1991-92 में केवल 0.5% ही रह गई थी। सरकार के समक्ष नए आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलाने के अलावा दूसरा विकल्प भी नहीं था और इसी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए कुछ उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जैसे खाड़ी संकट। सन 1990 में इराक और ईरान युद्ध के कारण तेल की कीमत में आर्थिक वृद्धि हो गई थी और भारत की समस्त आर्थिक समस्याओं को बढ़ा दिया था। विदेशी भुगतानों की समस्याओं से निपटने के लिए देश के 47 टन सोना इंग्लैंड को गिरवी रख कर ऋण प्राप्त किया था, जिससे देश की राजनीतिक अस्थिरता थी और इन सब कारणों से अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय विकास विश्वास में कमी आ गई थी और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में देश के साथ स्तर जो है बहुत नीचा हो गया था। फिर राजकीय घाटे में वृद्धि। सन 1990-91 से पूर्व सरकार की गैर विकास किए गए में निरंतर वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा भी बढ़ता चला जा रहा था और राजकोषीय घाटे से आशय यह था कि सरकारी राजस्व प्राप्ति अनुदान में मिली राशि से राशि ऊपर सरकार व्यय होता है, जो सकल राष्ट्रीय कोषीय घाटा जो है 1981-82 में सकल घरेलू उत्पादन जो है 5.4% था, जबकि 90-91 में 8.4% हो गया था। राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को ऋण प्राप्त करना पड़ता था, साथ ही साथ कई नियमों में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी जिसके समक्ष ऋण जाल में फंसने की संभावना उत्पन्न हो गई थी। साथ ही साथ गैर विकासात्मक व्यय में भी कटौती करके राजकोषीय घाटे को पूरा करने की कोशिश की गई। फिर प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति। देश में कुल निर्यात और आयात का अंतर भुगतान संतुलन कहलाता है। जिस तरह से हम निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, उसमें जो भी हम भुगतान करते हैं उस अंतर को भुगतान संतुलन कहा जाता है। जब देश में कुछ आयात कुल निर्यात मूल्य से अधिक हो जाते हैं तो भुगतान संतुलन प्रतिकूल कहलाता है। हमारे यहाँ आयातों व विदेशों ले जाने ऋणों की मात्रा में निरंतर वृद्धि से 90 के दशक से प्रारंभ भुगतान संतुलन अत्यधिक प्रतिकूल हुए हैं। खाड़ी के संकट में इस स्थिति को अधिक गंभीर दशा में पहुंचा दिया है। 1990 में भारत की विदेशी विनिमय को इतने कम थे कि 10 दिन की आयात के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस स्थिति से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से ऋण लेना आवश्यक हो गया था। फिर कीमतों में वृद्धि। सन 1990-91 के पश्चात कीमतों में भी अत्यधिक तेजी से वृद्धि हुई थी, जिसमें मुद्रा स्फीति के औसत में वार्षिक दर से बढ़कर 16.7% तक पहुंच गई थी।
खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी बहुत तेज़ी आई थी, जिसमें बहुत महंगे हो गए थे सारे खाद्य पदार्थ की वस्तुएँ। उसके साथ साथ वास्तव में इसके पीछे प्रमुख कारण मुद्रा की आपूर्ति में तेज़ी से वृद्धि होना था। इस आधार पर राजकोषीय व मौद्रिक नीति द्वारा कड़ा नियंत्रण आवश्यक हो गया था। तो सार्वजनिक क्षेत्र में असफलता, सार्वजनिक क्षेत्र जिस का सन 1990 में इंसान वे तक तेज़ी से विस्तार किया गया और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में विकास हेतु संसाधन जुटाने की बजाय उस पर बोझ बन गए थे। अधिकार जो थे सार्वजनिक उद्यम घाटे में चल रहे थे, एकाधिकार प्रवृत्ति के उद्योग भी लाभ प्राप्त कर रहे थे। इन उद्योगों के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक था। मतलब इसमें यह था कि जो सार्वजनिक चल रहे थे वह घाटे में चल रहे थे और साथ साथ एकाधिकार मतलब एक निजी कंपनी जो था उद्योग था सिर्फ वही लाभ कमा रहे थे। फिर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, विकासशील पूंजीवादी देश में आर्थिक मंदी पड़ने पर देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो प्रत्येक दृष्टि से बहुत सुधरने की अपनी सरकारों पर दबाव डालने लगे थे, साथ ही साथ कंपनियां चाहती थी कि उनकी सरकार जो है विकासशील देशों की अपनी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र आयात निर्यात के लिए बहस करें। वास्तव में उस कंपनियों की निगाह यहाँ की विस्तृत बाजारों पर थी, जिससे कि अर्थव्यवस्था को विश्व के साथ साथ समन्वित करके विकसित देशों की शर्तों को मानने के अलावा उनके समक्ष और कोई रास्ता नहीं था। मतलब हम विश्व में जो है विकसित देशों की शर्तें क्यों माने, और हमारे पास अभी आवश्यकता ये थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति थी उसमें विकसित देशों की शर्तें मानना वहाँ पर हमारा एक आवश्यक हो गया था। और संकटग्रस्त की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने आर्थिक सुधार को लागू करने का निर्णय लिया और मौद्रिक नीति को स्वर्ण रुपये की दर अवमूल्यन किया और साथ ही साथ व्यापार प्रणाली को सरलकृत करके उधारीकृत किया और रुपए को चालू खाते में व्यापारिक मदों में पूर्ण परिवर्तन बनाया गया ताकि राजकोषीय असंतुलन को कम किया जा सके। फिर है उदारीकरण। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण का अर्थ है, उदारीकरण का अभिप्राय सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में लगाया गया भौतिक नियमों का नियंत्रण को ढील देने से होता है। जब सरकार आयात निर्यात नीति, औद्योगिक नीति, श्रम नीति, वाणिज्य नीति आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, उत्पादन, विपणन इत्यादि में नियंत्रण को हटाती है, जिस तरह से टैक्स लगाना है या फिर कोई नियम बनाना है या कोई कानून बनाना है, उसमें वह नरमी यदि उदार हो जाती है कि तो उसे उदारीकरण कहा जाता है। फिर उदारीकरण के उपाय, सन 1991 में सरकार ने जो आधुनिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए थे उसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक स्थिति एवं संरचनात्मक सुधार लाकर अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक एवं आत्मनिर्भर बनाना था। भारत में उदारीकरण के लिए कई उपाय किए गए थे, जो प्रमुख थे रुपए का अवमूल्यन, विदेशी अदायगी की क्षमता में वृद्धि से भारत में पूंजी के प्रभाव को रोकने के लिए गैर कानूनी माध्यमों से विदेशों से हतोत्साहित करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने 1 व 3 जुलाई सन 1991 को दो चरणों में प्रमुख मुद्रा की तुलना रुपए का मूल्य 20% कम कर दिया था। मतलब रुपए का मूल्य जब कम होता है तो उसे हम अवमूल्यन कहते हैं। फिर रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता, इसमें कि नियंत्रित विनिमय दर प्रणाली से उत्पन्न विदेशी मुद्रा का कालाबाजारी की समस्या से निपटने हेतु सरकार ने 1992-93 के बजट में उदारीकरण विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली प्रारंभ की थी। इसके अंतर्गत रुपया आंशिक रूप से परिवर्तित कर दिया गया था। फिर 93-94 में सरकार ने परिवर्तित करके एकल विनिमय प्रणाली प्रारंभ की, जिसके पश्चात 1994 बजट में सरकार ने भुगतान संतुलन को चालू खाते के रूप में परिवर्तन कर दिया। फिर है औद्योगिक नीति का प्रस्ताव। 24 जुलाई सन 1991 में सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर शेष उद्योगों के लाइसेंस मुक्त कर दिया था और 15 अप्रैल सन 1993 में इन उद्योगों की संख्या 18 से घटकर 15 कर दी गई थी। फिर एक कर व्यवस्था में सुधार, इन सुधारों के संबंध सरकार के कराधान और सार्वजनिक नीतियाँ हैं, जिसमें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीति भी कहा जाता है। कर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह होता है जो व्यक्ति डायरेक्ट जमा करता है यदि अपने हाथ से जमा करता है। अप्रत्यक्ष कर वह होता है जैसे कि मनोरंजन कर या वस्तु हम कुछ खरीदते हैं तो उसमें अप्रत्यक्ष कर हम जमा करते हैं। फिर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं, जो 1991 के बाद व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी आई है।
और अब व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि करों की दर अधिक ऊंची नहीं, वह तो बच्चों को बढ़ावा मिलेगा और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण दे देते हैं। निगम कर की दर जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे धीरे कम कर दी गई। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर, ताकि सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक साँचे राष्ट्रीय स्तर पर बाजार की संरचना की जा सके। और 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत और सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु और सेवाओं पर जो कर अधिनियम 2016 GST 2016 कानून को पारित किया गया। यह कानून जुलाई 2017 में लागू हुआ। इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने की, कर वजन कर जो है उसको कम होने की, तथा एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार का निर्माण होने की आशा है। करदाताओं के द्वारा नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए साथ ही साथ क्रियाओं को सरल बनाया गया, साथ ही कर की दरों में भी पर्याप्त रूप से कमी आई है।